कैसे हो आप सब। सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे कोमल फैशनेबल ब्यूटी हब। कैसे हो आप सब गाइस। आज मैं बहुत टाइम बाद आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। वन मंथ, वन वीक, टू वीक, आप इतना समझ सकते हो कितने टाइम बाद मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कैमरा प्रॉब्लम चल रही है और जब तक ये साल नहीं निकलेगा तब तक कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। बहुत ही ज़्यादा लॉस पे लॉस हुआ जा रहा है, तो आप लोग इतना सा मैनेज करके चल सकते हो ना। तो ठीक है, फिर मैं कोशिश करूँगी कि ये दो महीने और निकल जाए जैसे मर्जी करके, और मैं आपके साथ एक अच्छा सा अच्छा कंटेंट शेयर कर सकूँ। शायद किसी की कॉल आ रही थी, नहीं किसी की कॉल नहीं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ एक अच्छा सा अच्छा कंटेंट शेयर करूँ, एक लुकबुक भी शेयर करूँ। फिलहाल आज तो मैं आपके साथ कोई भी लुकबुक शेयर नहीं करने वाली हूँ। मेकअप करने का मुझे इतना शौक नहीं है, लेकिन हाँ मेकअप करना मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है, एंड मेकअप के बारे में बताना भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये मेरा काम है तो मुझे करना है, और जिन लोगों को नहीं पसंद वो मत देखिए, आउट हो जाइए मेरी वीडियो से, ठीक है। जिन लोगों को इंटरेस्टेड है वो आ जाइए, मज़े करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ, एंजॉय करते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगी कि मैंने यहाँ अमेजोन से क्या क्या मंगवाया। माई अमेजोन हॉल आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। टाइटल पढ़ के आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ, तो देरी किस बात की, जल्दी जल्दी जाइए, चाय कॉफ़ी ले आइए, साथ साथ में पीजिए, और वीडियो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये वीडियो बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है, क्योंकि फेस्टिव सीजन स्टार्ट है, तो फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ कुछ प्रोडक्ट मंगवाए हैं जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने वेस्ट कुछ भी नहीं मंगवाया है, ना मैंने होम डेकोर का अभी तक सामान खरीदा है, ना मैंने मेकअप ट्यूटोरियल का अभी तक कोई सामान खरीदा है। यार मैं क्या करूँ, मैं क्या क्या खरीदूँ, अभी मेरे पास इतना बजट नहीं हो पा रहा ना, इसी वजह से टेंशन ही टेंशन है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास जितना भी होम डेकोर का सामान मैं मुझे लेना है मैं ज़रूर लूँगी, और उसको मैं ऑनलाइन से ही परचेस करूँगी, और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ क्या क्या परचेस कर रखा है। और उस वीडियो का आप वेट कीजिएगा, मैं वन वीक के अंदर अंदर कोशिश करूँगी वो वीडियो मैं लेकर आऊँ। फटाफट आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपना होम डेकोर। तो आप तो जानते हो कि मेरी हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, फिलहाल मैं आपको बता दूँ, अपडेट कर दूँ कि अभी वो ठीक है, मीन्स कि बैठ सकते हैं, ठीक है, खड़े भी हो जाते हैं सहारा लेके, इतना ठीक है। लेकिन भगवान ने मेरी भक्ति सुन ली और उनको जल्दी ही वो ठीक कर देंगे। मैं गॉड से हाइजीन प्रे करती रहती हूँ, और कि वो बस कुछ भी ना से तो वो मेरे हस्बैंड को ठीक कर दे, वो फिर से ऑफिस जाने लगी, आने लगी, और फिर मेरे लिए भी कुछ अच्छा अच्छा लेके आए। बस मुझे ना बहुत शौक है खाने पीने का भी और पहनने ओढ़ने का भी, तो काफ़ी इन्जॉयमेंट मैं करती रहती हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं बता दूं कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच कितनी भी तू-तू मैं हो जाए, लेकिन हम लोग कभी अलग नहीं होते, ओके। तो गाइस आज का वीडियो मैं फिर स्टार्ट करती हूँ आपके साथ, और मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या मंगाया है अपने इस वीडियो में, और किस तरीके से किया है शॉपिंग। और आप मेरे बाल देख सकते हैं, आपको काफ़ी हद तक मुलायम लग रहे होंगे, और इसका भी एक सीक्रेट है, इसका भी एक ट्रिक है जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स एक मिनट, कैमरा थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने अमेजोन से मंगवाया है, तो सबसे मेरा जो सबसे पहला प्रोडक्ट है, मैं आपको बता दूँ, मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट है ये हिमालय का सेंस 1930 और जेंटस बेबी वाइप्स। मैंने बेबी वाइप्स मंगवाए हैं जो कि मेकअप को रिमूव करने के लिए काफ़ी काम आते हैं। ये इनका टू का सेट मिल रहा था, टू पीसेस का सेट, और टू पीसेस के सेट में आपको मैं बता दूँ कितने का मिला था आपको, 184 में, काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में, 184 में आपको टू पीसेस का सेट, वो भी ऑफर डिस्काउंट के साथ। तो पता नहीं कितना डिस्काउंट है, कितना परसेंट ऑफ था, शायद 25% ऑफ था, तो मुझे मिला तो काफ़ी अच्छा, मतलब कि लगा मुझे, मैंने इसे मंगवा लिया। आप ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप रिमूवर यूज़ करो, आप इसको यूज़ कर सकते हो, अपना मेकअप पहले से रिमूव कर सकते हो, उसके बाद आप फेस वॉश कर लो। आप तो जानते हो कि मेकअप रिमूव करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप डायरेक्ट फेस वॉश कर लोगे तो मेकअप ऐसे ही आपके फेस पर रह जाएगा। तो सबसे पहले आप फेस वॉश करने से पहले वाइप्स ले लो, और एक वाइप से अच्छे से अपना पहले मेकअप रिमूव कर लो। आपके फेस के लिए एक ही वाइप्स काफ़ी है, एक वाइप से आपका पूरा मेकअप रिमूव हो जाएगा, आइज का, लिप्स, जो लिपस्टिक होती है वो,
वो अच्छे से रिमूव हो जाए, क्रीम वगैरह अच्छे से रिमूव हो जाए, उसके बाद आप जाके फेस वॉश करिए। तो बेबी के ऊपर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, बेबी के जैसे हैंड वगैरह साफ कर सकते हो, आपके फेस साफ कर सकते हो, बड़े भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल इनमें, और हिमालय का ब्रांड तो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, हिमालय सिंस 1930 काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी बेस्ट है, कुछ इस तरीके से ही ओपन होगा ऊपर से, और अंदर इसकी काफ़ी मतलब कि पैकेजिंग काफ़ी यूनिक है, आपको इसमें अंदर से इस तरीके से ओपन होगा और अंदर से भी पैक है, और यहाँ पे आपको एक टेप मिल जाती है, ये आप इस टेप को निकालेंगे तो आप अंदर से ले सकते हैं एक वाइप्स, फिर आप बंद कर दीजिएगा इसे तुरंत। एंड मैं आपको बता दूँ कि ये जो वाइप्स होते हैं काफ़ी ठंडे होते हैं अंदर से, मीन्स कि जब आप इनसे अपना मेकअप रिमूव करोगे ना तो काफ़ी ठंडा ठंडा आपको अपने फेस पे लगेगा, और जब सर्दियों में करते हैं ना OMG इतना ठंडा ठंडा लगता है ना, मन नहीं करता बिल्कुल भी अपना फेस वॉश करने का भी। बट स्किन केयर तो रूटीन फॉलो करना ही है, तो इसके लिए मैंने ये मंगवाए, इसके दो के सेट आए थे, एक मैंने खो लिया और एक मेरा लिया है, ठीक है दो मंगवाए थे। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये, उसके बाद सेकेंड प्रोडक्ट है कैमरा मेरा ना कुछ लुड़ रहा है, ठीक है छोड़िए। सेकेंड प्रोडक्ट है मेरा वाओ का, और वाओ का तो आप जानते ही क्या है, मैंने मंगवाया है वाओ स्किन साइंस का ऑनियन हेयर मास्क, ठीक है गाइस। और इसको मतलब कि मैं आपको बता दूं कि मैंने इसे अमेजोन से मंगवाया, पर्पल पे भी मीन्स कि पर्पल से मैंने क्यों नहीं मंगाया मैं आपको बता दूं, पर्पल पे डिस्काउंट थोड़ा सा कम था और अमेजोन पे कुछ अच्छा खासा मुझे डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैंने अमेजोन से ऐसे मंगवा लिया हेयर मास्क। हेयर मास्क लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बालों में, अगर हम हेयर मास्क का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे बाल रफली ड्राई पैची से होने लगेंगे, और आप देख लो कि मेरे बाल काफ़ी हद तक स्मूथ लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसे मंगाया। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इसके बारे में, वाओ स्किन साइंस का है तो वाओ एक जाना माना ब्रांड है, जाना माना प्रोडक्ट है, जिनके सारे मीन्स क्या होता है, सारे प्रोडक्ट सारे अफोर्डेबल रेंज के आते हैं, अच्छी क्वालिटी बेस्ट रिजल्ट आपको देते हैं। तो वाओ का आप चाहे कुछ भी यूज़ कर लो, मैंने वाओ के काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने वाओ का हेयर मास्क किए, मैंने 5 से 6 बार मैंने इसको ट्राई किया अपने बालों में, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ये मैंने बहुत टाइम पहले रिसीव कर लिया था पार्सल, बट मैंने 4 से 5 बार सारे प्रोडक्ट अपने ऊपर यूज़ किए हैं, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैंने वाओ के सनस्क्रीन, वाओ का मैंने फेस वॉश, वाओ की मैंने बॉडी बटर, मैंने सब यूज़ करा था, सारे मुझे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं वाओ के, मैं वाओ की तो दीवानी हूँ। आप क्या हो, आप भी हो तो प्लीज़ बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। वाओ स्किन साइंस, वाओ मीन्स वाओ। तो ये है, और कुछ इस तरीके से मैं आपको बता दूँ, कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा, और पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, पैकेजिंग काफ़ी यूनिक है, और ये बाहर की पैकेजिंग जब इतनी यूनिक है तो अंदर का प्रोडक्ट कितना यूनिक होगा। और कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है, और ये प्लास्टिक का बॉटल है, प्लास्टिक का डब्बा है, ठीक है। तो और ये जब ख़त्म हो जाए तो आप इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो फेंकने के बजाय, इसमें कैप आती है, ये मीन्स कि मैंने यूज़ कर लिया है, तो ये ओपन ही आप देख सकते हो मैंने कितना यूज़ किया है इसे, हद तक मीन्स कि मैं अब दीवानी बन चुकी हूँ हेयर मास्क की, खास करके वाओ ब्रांड का। तो इसे मैंने कंटिन्यू अब यूज़ करना ही है, आई लव इट रियल में, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट ये, ओके मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ, ठीक है। इसका प्राइस क्या है मैं आपको बताती हूँ कि इसमें नो पैराबीन, नो मिनरल ऑयल, कल्ट्री फ्री, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन, ठीक है कल्ट्री फ्री है। और इसका प्राइस है 499, बट आपको डिस्काउंट के साथ ही कम मिलेगा, और आपको इसमें प्रोडक्ट मिलता है 200ml आपको इसमें प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है गाइस। और आपको इस ब्रांड की सेल्फ लाइफ मिलती है 2021, ओके। तो काफ़ी अच्छा यूनिक मुझे लगा ये, ओके। नेक्स्ट मैंने क्या मंगवाया है जो कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, मैंने यहाँ मंगवाया है लिवॉन का हेयर सीरम, जो कि
सीरम लगाना काफी ज्यादा जरूरी है हमारे फेस सॉरी हमारे बालों में। सीरम अगर आप कहीं भी जाते हो, कहीं भी आप किसी वेडिंग फंक्शन पे जा रहे हो, या आपको अपने किसी वेडिंग फंक्शन पे जाना है, या आपकी किसी बहन की शादी है, चाचा की शादी है, मामा की शादी है, बुआ की शादी है, आपकी किसी ब्रदर की शादी है, सिस्टर की शादी है, तो आप पहले अपने मास्क पहले अपना हेयर स्पा कीजिए मास्क लगा के, उसके बाद फिर आप ट्राई फिर आप अपने गीले बालों में लगाइए हेयर सीरम, जो कि सीरम लगाने से आपके बाल शाइनी लगने लगेंगे, आपके बाल और भी ज्यादा नीट लगने लगेंगे, आप शाइन करेंगे एंड ओड़े ओड़े से नहीं रहेंगे, एक जगह सेट रहेंगे। ओके, तो यहाँ मैंने पैक ऑफ टू मंगवाया है, तो इसको मैंने कब का खोल लिया था, आप देख सकते हैं खत्म होने को है, ये अभी तक पैक है, तो देखिए ये अभी तक पैक है, इसको मैंने खोला नहीं है, और ये मुझे पैक ऑफ टू मिले हैं, और ये कितने का मुझे मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ, मुझे कितने तक की रेंज में मिले हैं, तो इसका प्राइस यहाँ ये मुझे 150 में मिला है, 150 के पैक में पैक ऑफ टू आए थे, तो इतने रेंज में मुझे मिला था, और काफ़ी अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली, लिवोन काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो गाइस मैं बता दूं कि आपका 24 आवर तक इंटेंस स्मूथनेस, मतलब कि 24 आवर तक इंटेंस स्मूथनेस आपके बालों को ये रखेगा, ठीक है, एंड 3GB आपके बालों को ये करेगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, अभी तो देखो मैंने बालों में ऑयलिंग नहीं की है, तो मैं इसे आपके तो मैं इसे ट्राई करके दिखाती हूँ, आपको कुछ इतना ही लेना है, ठीक है, और रब कर लेना है, ठीक है, तो देख लीजिए मेरे बाल आप शाइनी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, काफी अच्छा हेयर सीरम है एंड इसकी फ्रेग्रेंस तो माइंड ब्लोइंग है, सच में बहुत अच्छा है, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अब ये तो हो गया हेयर का स्किन का, ठीक है, इसके बाद मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ एक चीज और, हेयर की भी एक चीज और है, और वो है हेयर ट्रिमर, यानी कि ट्रिमर जिसे मैंने अमेजोन से परचेस किया है, इसको ये मेरा पैक ऑफ टू है, जो मेरा मैंने एक और मैंने जब फर्स्ट टाइम मंगवाया था, मुझे काफी फर्स्ट टाइम अच्छा लगा, मीन्स कि मैंने रिव्यूज देखे थे इसके हेयर ट्रिमर, मतलब कि बाल अपने हाथ के बाल वगैरह साफ कर लो आप अच्छे से, हेयर से रिमूव कर लो इससे, क्योंकि देखो अब बार बार वैक्स तो करवा नहीं सकते ना, अब ठंड में भी वैक्स नहीं करवा सकते, ठंड लगती है, और फिर किसी किसी को वैक्स से बहुत ज्यादा पेन होता है, और कोई कोई तो पेन की वजह से वैक्स ही नहीं करवाते हैं बालों में, अपने बाल के हेयर्स को साफ नहीं करते हैं, अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, तो आप हेयर ट्रिमर का यूज़ कर सकते हो, और ये इवोर का ट्रिमर है, इवोर का जो कि काफ़ी अच्छा है, और मैं आपको बता दूँ कि इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस है 399, ठीक है, शायद मुझे ये 300 में मिला है, और मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग लास्टिंग है, स्मूथनेस है इसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा स्मूथनेस है, बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी स्किन रगड़ी जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको इसका ब्लेड दिखाती हूँ, इसका ब्लेड किस तरीके से है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आता है ये, और कुछ इस तरीके से है, आप इसको इसके पीछे अटैच करोगे इस तरीके से, ठीक है, और जब आपको निकालना हो तो आप ये बटन देख लो, दबाओगे आप ऊपर करोगे तो निकल जाएगा, अभी देखना इसमें से आवाज आएगी, देखा, ठीक है, ये लग गया, और कुछ इस तरीके से है, पैकेजिंग काफी क्यूट है, दिखने भी काफी क्यूट है, तो आप देख लो कुछ इस तरीके से है इसका ब्लेड, और जो ब्लेड की इसकी ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज बहुत ज्यादा इसकी स्मूथ है, ये चीज इसकी बहुत ज्यादा स्मूथ है, ब्लेड में बिल्कुल भी कोई भी दरार नहीं है, आप देख सकते हो, बिल्कुल भी आपकी स्किन रगड़ी नहीं जाएगी, बिल्कुल भी आपकी स्किन पे कोई स्केचेस नहीं आएंगे, इसे यूज करते वक्त आप इसे यूज कर सकते हो, काफी हद तक आपके ऊपर वर्क करेगा, फिलहाल अभी तो मैंने अपने हेयर रिमूव कर रखे, तो एक बार फिर मैं आपको दिखा दूँ, काफी अच्छे से वर्क करेगा आपकी स्किन पर, काफी अच्छा यूनिक है, और काफी स्मूथ है, काफी स्मूथली ये चलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एक बार जरूरी से परचेस करना चाहिए, फेस्टिव सीजन आ गए आपको तो पता ही है, और कितना ज्यादा जरूरी है अपने आपको नीड एंड क्लीन दिखाने के लिए, तो सो आज का ये मेरा प्रोडक्ट है, और तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इसे एक बार जरूर परचेस कर लीजिए, ठीक है, और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है
मैं आपको बताती हूँ। और एक चीज़ और बोलूँगी, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, प्लीज़ आप लोग चाय कॉफ़ी लेके बैठिए, ठीक है। तो इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये, और ये क्या है मैं बताई देती हूँ, ये क्या है ये कोई कैप नहीं है ना ही ये कोई बैग है, मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट वन सेकेंड। इसके साथ आपको वायर मिलती है, ठीक है, ये वायर है कुछ इस तरह, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ ये क्या है, ये है आप जब भी हेयर स्पा बाहर करवाने जाते हो तो मीन्स कि आप जब बाहर हेयर स्पा करवाना चाहते हो, हेयर स्पा का प्राइस बहुत ज़्यादा बाहर दे आते हो, तो इससे अच्छा आप घर में हेयर स्पा कर लीजिए। मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी किस तरीके से आप अपना हेयर स्पा कर सकते हैं घर पर। और ये है हेयर स्टीमर जो कि आपको स्टीम देगा, जब आप हेयर स्पा करोगे तो आपको स्टीम देगा, और आपके मतलब कि जब आप इसे स्टीम लोगे ना बहुत ही गरम गरम आपको रिलैक्स होगा, इससे बहुत गरम गरम फील होगा, इतनी गरम आपको स्टीम मिलेगी अपने बालों में तो आपको रिलैक्स मिलेगा। सर्दियों का टाइम वैसे स्टार्ट हो गया है, विंटर सीज़न आ ही गया है, तो आप इसे मंगवा लीजिए। और जब भी आपको हेयर स्पा करना हो तो आपको घर पे कर सकते हो ईजिली, बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अफोर्डेबल रेंज में है, आपको ये आई थिंक 400 में मिल जाएगा अमेजोन से, ये देख लीजिए। तो जब भी आप इसको आप लगा दीजिएगा स्विच इसका, और आपको इसे ना सबसे पहले क्या करना है, आपको इसे सबसे पहले रखना है मींस कि आप पहले से लो पे कीजिएगा, उसके बाद फिर हाई पे आपको सिर्फ ओनली 3 मिनट रखना है, उसके बाद आप इसे लो पे कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि कितनी गरम गरम आपको इसमें स्टीम मिल रही है, मींस कि देखने में तो लग रही है कैप, पहले की कैप भी काफ़ी अच्छी लग रही है, क्यों ना इसमें एक फोटो हो ही जाए और मैंने इसे 4 से 5 बार यूज कर लिया है अपने बालों में, ओ 4 से 5 बार मैंने इसे यूज कर लिया है, तो काफी अच्छा मुझे ये लगा है, और मेरे बाल इसे काफी ज्यादा स्मूथ भी हुए हैं और काफी रिलैक्स मिला है, मेरे सर को काफी स्ट्रेस में मैं थी काफी अच्छा भी लगा है। तो आपको इसे एक बार परचेज करना चाहिए, हालत पंचर हो गई तो एक बार परचेज करना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया मेरा प्रोडक्ट जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इसको रख देते हैं यहाँ। सेकंड प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, जो मेरा सेकंड प्रोडक्ट है वो है ये, मैं बताती हूँ क्या है, ये कुछ इस तरीके से नहीं आया था, ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आया था, बट मैंने ऐसे ही रख दिया इसको, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था इसलिए। तो इसको मैंने पहना था नवरात्रि दुर्गा पूजा पे, और ये देखिए ये है, और इसके साथ आपको लड़ी मिलती है, ये आपको सेट मिल जाएगा 300 का, अमेजोन से मैंने मंगवाया, तो आप इसको अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने इससे पहन के अपना वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखा है कुछ इस तरीके से, काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। ये है और इसके साथ मतलब कि दो ये है, और इसके साथ आपको मांग टीका मिल जाता है, जो कि मांग टीका काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, काफ़ी अच्छा लगता है मांग टीका। और मैंने इसमें आपको सारे काफ़ी सारे शेड मिल जाएंगे, मल्टी कलर आपको इसमें मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, बट मैंने ब्लैक मंगवाया, जो कि ब्लैक सबके साथ मैच कर जाता है, ब्लैक तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताइएगा जरूर। आप इसको पहन के ना अच्छे से किसी भी रोमांटिक डिनर पे जा सकते हैं, किसी भी रोमांटिक डिनर पे, या फिर आप किसी वेडिंग फंक्शन पे इसे ट्राई कर सकते हैं, इस तरीके की ज्वेलरी काफ़ी अच्छी लगती है, और बिल्कुल भी ये काली पड़ने वाली नहीं है, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, ओके। वैसे मुझे सॉन्ग गाना काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं इंजॉय करती रहती हूँ, इंजॉय तो आपके साथ ही करना जिससे चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे रिसीव हुआ है 300 के आसपास ये, ओके। इसको भी मैं रख देती हूँ यहाँ पे, बाद में मैं इसको फिर सारा सेट कर लूँगी। और इसके बाद मैंने अमेजोन से मंगवाया है, क्या मंगवाया मैंने अमेजोन से एक्साइटेड हो देखने के लिए बताती हूँ। इसके बाद मैंने अमेजोन से मंगवाया है ये दो बैंगल्स, और मेरा मतलब कि मैं आपको बता दूँ, मुझे 2-6 का साइज़ आता है, 2-6 का थोड़ा सा बड़ा है, मुझे बड़ा ही चाहता हूँ, मुझे चिप को अच्छा नहीं लगता छोटा छोटा, जिस तरीके से बिहारी कास्ट के पहनते हैं ना छोटे छोटे, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। तो ये देखिए,
क्वालिटी आप देखिए। और ये मुझे परचेस हुआ है 600 आई थिंक 800 परचेस हुआ है, पैक ऑफ टू मिले हैं। तो आप इसे सिंगल भी अपने हाथ में डाल सकते हो, सिंगल डाला हुआ काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फेस्टिव सीजन तो वैसे भी आ ही गए हैं, तो आप सिंगल डाल सकते हो अपने हाथ में, काफी अच्छा लग रहा है। और सिंगल एक एक मतलब कि काफी अच्छा लगता है। और इस तरीके से आपको इतना चौड़ा आप ले लीजिए, और सिंगल भी आप अगर आप पहनोगे तो काफी अच्छा यूनिक लगेगा। साड़ी पर्स हर किसी को मैच कर जाएगा। अगर आप चाहो तो बैंगल्स के साथ भी पहन सकते हो, ऐसे भी पहन सकते हो, बट मैंने ऐसे पहनने के लिए मंगवाया है एक एक सिंगल। तो डिज़ाइन मेरा एक ही है, और इसमें आपको मतलब कि साइज में सारे शेड है, ग्रीन, येलो, ब्लू, मल्टी कलर सारे इसमें आपको शेड मिल जाएंगे, जो कि आपकी ऑल ड्रेस के साथ जाएंगे। ओके, तो पैक ऑफ टू। लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकती मैं किसी का, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि 1 month हो गया मंगवाए हुए सामान को। तो ठीक है, ये था। और इसके बाद जो मेरा लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये, और ये है चूड़ा, यानी कि सुहाग चूड़ा, देख लो आप, सुहाग ब्रांड का है, ब्रांड तो सुहाग का ही है। ये काफ़ी अच्छा है, यूनिक है, आप देख सकते हो, मीन्स कि राजस्थानी टाइप में है। मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे राजस्थानी चूड़ा काफ़ी अच्छा लगता है। पैकेजिंग काफ़ी यूनिक है, आप देख सकते हो। एंड अभी मैं इसे ओपन नहीं करूँगी, अभी तो ये पैक है, और जब मैं इसे ट्राई करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो काफ़ी अच्छा लगा, और इसको पहनने के बाद हाथ बिल्कुल भरा भरा सा लगता है। और मुझे ये परचेज हुआ है 561 रुपीज़ में, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मुझे परचेस हो गया। एंड आप चाहो तो इसे पहनोगे तो आपका या यहाँ तक पूरा हाथ भर जाएगा, कवर हो जाएगा, आप इसमें चूड़ी और भी ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, ये था आज का मेरा इतना प्रिपरेशन का हॉल जो कि मैंने यहाँ आप लोगों के साथ शेयर किया था। जितने भी मैंने यहाँ प्रोडक्ट मंगवाया है सब यूज़फुल है, एक्स्ट्रा कुछ भी हाँ मैंने ऐसा कोई भी परचेज नहीं किया प्रोडक्ट। और आज का रिव्यू बस इतना ही। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई भी आपके कमेंट्स हो, सजेशन हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप भी इन सब प्रोडक्ट को शेयर कर परचेज करना, तो आप purple.com पे अभी जाइए, अभी हाँ फेस्टिव सीजन सेल चल रही है, अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। फिर प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और जुड़िएगा मेरे साथ, और भी मज़ा आएगा फैमिली जितनी ज़्यादा बढ़ेगी। और फिर मैं आपके साथ अब टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो, जल्दी लेके आऊँगी या फिर कुछ टाइम बाद लेकर आऊँगी, आई होप कि कोशिश करूँगी कि जल्दी लेके आऊँ। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा हो चुका है, तो अब दीजिए इजाज़त, अब सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ सॉरी मैं कह रही हूँ अब दीजिए इजाज़त। ओके, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तो जस्ट वेट एंड वॉच, वेट कीजिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट के साथ, वो भी अच्छे से और किसी अच्छे से रिव्यू के साथ, या कुछ मैं आपको अच्छा अपडेट करूँगी। ओके, तो चलिए फिर अभी के चलते हैं, लव यू ऑल, बाय बाय माय प्यार कर लवली सब्सक्राइबर्स, माय प्यार कर रिव्यूज, क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो क्या करना है, लाइक करके तब जाना है, ऐसे नहीं जाना, ओके बाय।